अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन टू, ट्रू फॉल्स। इन स्टेटमेंट्स को आपने रीड करना है और इनमें से जो स्टेटमेंट करेक्ट होगी उसके सामने आप लिखेंगे टी और जो स्टेटमेंट फॉल्स होगी उसके सामने आप लिखेंगे एफ। नंबर वन, रॉबिन्सन क्रूसो स्लेप सो गया इन अ कार, एक कार में एक गाड़ी में। रॉबिन्सन क्रूसो एक कार में सो गया, तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स, यहाँ पे आप लिखेंगे एफ। नंबर टू, रॉबिन्सन क्रूसो बिकेम शिपरेक्ड। शिपरेक्ड स्टूडेंट कहते हैं उस कश्ती को जो के तबाह हो चुकी हो, उसे कहते हैं शिपरेक्ड। तो ये स्टेटमेंट है ट्रू, यहां पे आप लिखेंगे टी। नंबर थ्री, रॉबिन्सन क्रूसो सा द फुटप्रिंट ऑफ अ टाइगर ऑन द आइलैंड। रॉबिन्सन क्रूसो ने देखा द फुटप्रिंट, पांव के निशान, ऑफ अ टाइगर, एक शेर के, ऑन द आइलैंड, जजीरे पर। रॉबिन्सन क्रूसो ने जजीरे पर एक शेर के पांव के निशान देखे, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। उसने जजीरे पर एक आदमी के पांव के निशान देखे थे, तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स, यहाँ पे आप लिखेंगे एफ। नंबर फोर, देयर ओनली होप वाज टू क्लाइंबर इनटू स्मॉल बोट एंड ट्राई टू रो टू द शोर। देयर ओनली होप, सिर्फ एक ही उम्मीद थी, वाज टू क्लाइंबर इनटू अ स्मॉल बोट, कि एक छोटी कश्ती में बैठा जाए, एंड ट्राई टू रो टू द शोर, और साहल पर जाने की कोशिश की जाए, तो ये स्टेटमेंट है ट्रू। नंबर फाइव, रॉबिन्सन न्यू दैट लाइंग ऑन द सैंड वुड नॉट बी डेंजरस। रॉबिन्सन जानता था That के lying on the sand के रेत पर लेटना would not be dangerous के वो खतरनाक नहीं होगा। रॉबिन्सन जानता था कि रेत पर लेटना खतरनाक नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स, वो नहीं जानता था। नंबर सिक्स, द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह रॉबिन्सन चला अलोंग द शोर साहिल के किनारे एंड अप अ लिटल हिल और एक छोटी पहाड़ी पर, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। नंबर सेवन, द मंथ्स पास्ट महीने गुजर गए इन स्लीपिंग सोते हुए एंड ईटिंग और खाते हुए, सोते और खाते कई महीने गुजर गए, तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स। नंबर एट, ही मेड अ सेल, उसने एक कश्ती बनाई। सेल स्टूडेंट कहते हैं ऐसी कश्ती को जिसके ऊपर इस तरह का कपड़ा लगा होता है, इस कपड़े की मदद से वो कश्ती समुद्र में चलती है। फ्रॉम सम ऑफ द कैनवस, कैनवस स्टूडेंट कहते हैं मजबूत कपड़े को। उसने कपड़े से एक कश्ती, एक सेल बनाई। ही हैड ब्रॉट फ्रॉम द शिप, जो कि वो जहाज से, कश्ती से लेके आया था, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। नंबर नाइन, His life, उसकी जिंदगी on the island was the worst one. Worst one, सबसे बदतर थी। उसकी जिंदगी उस जजीरे पर सबसे बदतर थी। तो ये statement false है। Number 10, when he reached the sand, जब वो रेत पर पहुंचा, he carried the things up, वो चीजों को लेके गया on to dry land, खुश्क जमीन पर। जब वो जजीरे पर पहुंचा तो वो चीजों को कुछ जमीन पर लेके गया, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। स्टूडेंट्स, अब आपने इस क्वेश्चन को अपनी वर्कशीट के ऊपर सॉल्व करना है, इसको एक दफा आपने रीड करना है और इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है और उसके बाद इस क्वेश्चन को आपने याद भी करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।